नमस्कार दोस्तों, डिजिटल टीचर में एक बार आपका फिर स्वागत है। आज मैं रिव्यू करने जा रहा हूँ डेल इंस्पायरन 3558 नोटबुक। जैसा कि आपने नेट पे कहीं सर्च कर लिया होगा, ये एक 15.6 इंच का एक नोटबुक है आप बोल सकते हैं। और इसको जो कॉन्फ़िगरेशन है वो है 5th जनरेशन इंटेल कोर i3 का जो प्रोसेसर है, जिसकी क्लॉकिंग स्पीड 2 GHz होगी। और जो इसकी हार्ड डिस्क है वो 1 TB की है, यानी कि 1000 GB की है। और इसकी जो स्क्रीन साइज है, अगर आप देखें तो जो हमेशा डायगनली लिया जाता है तो 15.6 इंच का है। अगर हम उसको सेंटीमीटर में ट्रांसलेट करें तो 39.62 सेंटीमीटर होगा। और जहां तक इसकी जो रैम है, जैसे कि मैंने बता चुका हूं, 4 GB DDR3 इसकी रैम है। और इसके अंदर आपको मिलेगा इंटेल HD ग्राफिक्स। और इसके अंदर जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसमें मैंने लिया नहीं है तो इसलिए ये Ubuntu में लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पे है। और इसका जो वेबकैम है वो HD 720 है। और जहाँ तक वजन की बात करें तो ये करीब 4 किलोग्राम का है। और इसमें आपको मिलेंगे USB 2 के 2 पोर्ट मिलेंगे, USB 3 का 1 पोर्ट मिलेगा। और बैटरी इसकी है जो 40 वाट आज की है, जिसका करीब औसतन जो बैकअप है वो करीब 5 से 6 घंटे का है। आप इसको देख सकते हैं कि इसकी फिनिश बहुत ही ज़बरदस्त है, प्लास्टिक का यहाँ पे ये पूरा मटेरियल है। और इस पर थोड़ा आप देख सकते हैं कि बहुत ही इसकी जो पकड़ अच्छी है, लेकिन अब अगर आप इस पर हाथ रखेंगे तो थोड़ा स्मज वगैरह इस पर आएगा, लेकिन तुरंत ही वो गायब हो जाता है जैसे ही आप हाथ हटाएंगे। अगर हम इसकी राइट हैंड साइड को देखें तो आप देखेंगे यहाँ से आपका स्टार्ट होता है। यहाँ पे ऑडियो जैक है, उसके बाद USB 2 के यहाँ पे 2 स्लॉट दिए हैं, देन आपका CD और DVD ड्राइव है। और यहाँ पे सम काइंड ऑफ सिक्योरिटी कोड के लिए स्लॉट दिया हुआ है। फ्रंट साइड पे देखें यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे एक LED दे रखी है जो आपको लैपटॉप के ऑन ऑफ होने के बाद और ड्राइव की एक्टिविटी दिखाती है। और अगर हम लेफ्ट हैंड साइड को आ जाएं तो यहाँ पे आप देखेंगे चार्जिंग स्लॉट है, और यहाँ पे ब्रॉडबैंड के लिए यहाँ पे स्लॉट दिया हुआ है। देन वी हैव वेंट, और उसके बाद यहाँ पे जो ये HDMI पोर्ट है, जिसे आप LCD वगैरह में जो आपके घर पे है उसमें इसको कनेक्ट कर सकते हैं LED वगैरह में। और ये जो पोर्ट है ये USB 3 है, जो नए सेल फोन्स के साथ जो USB 3 आता है उसके लिए। नेक्स्ट यहाँ पे आपके पास मेमोरी कार्ड स्लॉट है। तो आप कॉन्फ़िगरेशन देख लें, मिडिल जो माइल्ड यूजेज के लिए है, ये बहुत ही अच्छा लैपटॉप है अगर हम देखें तो। और आप यहाँ देख सकते हैं इसमें कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे दिया हुआ है। HD वेबकैम इसमें दिया हुआ है, 15.6 HD ट्रू लाइव डिस्प्ले है। देन वी हैव वायरलेस प्लस ब्लूटूथ और HDMI पोर्ट एंड SD कार्ड रीडर। और इसका जो कीपैड है वो आप देखें, बहुत ही सुंदर कीपैड बनाया हुआ है, बहुत अच्छे से इन्होंने दिया है। और बटन काफ़ी ज़्यादा ऊंचे नहीं है, बहुत नाइसली अरेंज हैं। आप देखेंगे ये यूज़ के लिए बहुत अच्छा है। कुछ कीबोर्ड देखते हैं वो प्रोमिनेंट ज़्यादा होते हैं, थोड़ा ऊपर होता है तो यूज़ करने में दिक्कत होती है। यहाँ पर राइट हैंड साइड में यहाँ पर न्यूमेरिक कीपैड दिया हुआ है, इसलिए ये कीबोर्ड का साइज बढ़ गया है। और इस वजह से आप देखेंगे जो माउस ट्रैक पैड है वो लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट कर दिया गया है, राइट हैंड साइड में काफ़ी स्पेस छोड़ रखा है। तो जिनको यहाँ सेंटर में माउस की आदत है इस जगह पे, उनको थोड़ा सा एडजस्ट करने में प्रॉब्लम होगी, लेकिन ये उतना डिफिकल्ट नहीं है। स्पेस बार आपका यहाँ, तो इसलिए की ट्रैक पैड भी इसके जस्ट नीचे है। यहाँ पे इन्होंने इंटेल का ये लोगो दिया हुआ है, और यहाँ पे डेल का है जो कॉन्फ़िगरेशन वगैरह दे रखी है। और स्क्रीन अगर देखें तो आप यहाँ पे राइट हैंड साइड में ऑन ऑफ बटन है। स्क्रीन इसकी 15.6 इंचेस की है, जो काफ़ी बड़ी है वैसे, लेकिन आप देख सकते हैं कि लैपटॉप को अगर आप छोटा बनाते हैं तो उसमें खर्चा भी ज़्यादा आता है, ज़्यादा मेहनत होती है, इसलिए वो महंगा भी पड़ता है। तो एक बार हम इसको स्टार्ट कर लेते हैं। हमने ये लिनक्स में लिया था 1.2 में, तो इसकी जो एग्जैक्ट कीमत है वो करीब 26-27 हज़ार के पास है, 27 हज़ार आप बोल सकते हैं। और इस फेस्टिव ऑफर पर 3% डिस्काउंट मिला था, उसके बाद SBI डेबिट कार्ड यूज़ करने पर करीब 10% ऑफ उस पर मिला था, तो करीब ये 24.5 हज़ार का हमको पड़ा है। और 24.5 हज़ार में इस लैपटॉप को लेने में कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही अच्छा लैपटॉप है। उससे पहले मैंने जो यूज़ किया था वो करीब 40 हज़ार का था, जो अभी 6 साल मैंने उसको यूज़ किया। उसकी कॉन्फ़िगरेशन इसकी बहुत छोटी है, उसमें 3 GB रैम है, 320 की हार्ड डिस्क है, लेकिन डेल के लैपटॉप हमेशा अच्छे आते हैं और बहुत अच्छा चलता है। और उसके हिसाब से 17-18 हज़ार रुपये कम में उससे भी अच्छी कॉन्फ़िगरेशन मिलना बहुत ही बड़ी बात है। आप देख सकते हैं स्क्रीन इसकी काफ़ी वाइड है, आप मेरे हाथ के साइज से देखें तो आपको पता चलेगा कि ये स्क्रीन इसकी काफ़ी बड़ी है। और जहाँ तक बैटरी की बात करें तो करीब इसको एक बार चार्जिंग में लगाया है, ज़्यादा चार्जिंग में रखा नहीं है, 61% है, करीब 3 घंटे का ये बैकअप दिखा रही है।
तो 100% पे ये 5, 5.5 से 6 घंटे का बैकअप दिखाएगी। तो मुझे पूरी उम्मीद है आराम से 5 घंटे अच्छे से चल जाएगा। तो बैटरी अब इनकी आप देख सकते हैं नए लैपटॉप में इंप्रूव हो गई है काफ़ी, और स्क्रीन भी इसकी बहुत अच्छी है और माइल्ड यूजेज के लिए बहुत अच्छा। आप अगर छोटे मोटे गेम इस पे खेलते हैं, NFS वगैरह, क्रिकेट वगैरह, उनके लिए अच्छी है। एक्सेल, मूवी और नेट सर्फिंग के लिए बहुत अच्छा है। जो मिडिल एज ग्रुप जो हमारा है, जो इतना ज़्यादा हैवी यूज़ करता नहीं, इवन जो स्टूडेंट लोगों के लिए बहुत ही एक तरह से आप बोल सकते हैं मास्टर पीस, आप इसको बोल सकते हैं स्टूडेंट वगैरह के लिए, क्योंकि ज़्यादातर उनको MS ऑफिस चलाना होता है और छोटे मोटे गेम खेलने होते हैं। तो उस हिसाब से 25,000 में इससे अच्छा कुछ मिल नहीं सकता। अगर आप देखें बिग बिलियन डे पे ये करीब 20,000 और 22,000 रुपये का पड़ रहा था, तो उस समय इस पे काफ़ी डिस्काउंट थे। अगर आपको थोड़ा साइज का पता करना है तो वेट इसका करीब 4 किलो है। तो पुराना देख लें, मेरा पुराना लैपटॉप है डेल का, तो ये 11 इंच का करीब है। तो उसके हिसाब से आप इसका देख लें कि साइज इसका काफ़ी बड़ा है। लेकिन लैपटॉप इंस्पायरन की जो रेंज है उसमें हमेशा बहुत अच्छे आते हैं, अच्छे चलते हैं और बिकते भी बहुत ज़्यादा हैं। जिस तरह से शियोमी का मोबाइल रेडमी वाले बहुत बिकते हैं, डेल की जो इंस्पायरन सीरीज है उसमें लैपटॉप बहुत ज़्यादा बिकते हैं। तो अब एक बात, चार्जर भी दिखा देते हैं। जितना बड़ा लैपटॉप है चार्जर उतना ही छोटा है। देखें आप चार्जर कितना छोटा है, एकदम छोटा है। और पिन है इसकी जो पुराने नोकिया की जो पिन आती थी उसके जैसी एकदम पतली पिन है। आप देखिए पुराने लैपटॉप की जो कॉर्ड थी वो काफ़ी मोटी थी। तो चार्जर से हमें कोई मतलब नहीं है, बैटरी बैकअप इसका अच्छा है। तो ये एक छोटा सा रिव्यू है, उम्मीद है आपको पसंद आएगा। आपको कोई जानकारी अगर चाहिए तो इसके बारे में कमेंट सेक्शन में आप टाइप करें, मैं आपको जानकारी दे दूंगा। तो उम्मीद है ये रिव्यू आपको पसंद आया होगा। ज़्यादा जानकारी और के लिए आप बने रहिए, बाकी रिव्यू आपके पास आते रहेंगे। ज़्यादा जानकारी के लिए आप कमेंट में कोई सवाल रख सकते हैं। धन्यवाद।